जुबैर ऐसे पहली बार हुआ है कि एक गर्ल फ्रेंड आई है और मैं इतना बिजी था, मैं उसके साथ फोटो भी नहीं खींचा पाया। इवेंट वहाँ पे होगा और रात को बहुत ठंड होने वाली है। शर्ट कितने की? कितने रुपए की शर्ट लगाते हो? एकदम प्यार से निकलेगी विदाउट एनी व्हील्स। सब क्रेटास खड़ी में विद द लाइट्स ऑन व्हिच इज रियली सेक्सी एंड कूल। सुबह हो गई, गाड़ी आ गई, डिजायर एयरपोर्ट पहुंच गए और ये देखो एंडेवर पे मस्टैंग का लोगो और स्नॉर्कल। यहाँ पे फॉर्च्यूनर तो दिखेगी ना एंडेवर को। एयर इंडिया में इतनी लाइन है ना कि दो दिन लग जाएंगे आने में। पता नहीं टाटा तो कभी सुधर ही नहीं पाएगा, नेवर। एयर इंडिया कभी कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उनकी प्रोसेसेस वगैरह इतनी खराब है ना। इतनी लाइन, मतलब लोग पागल हो रहे हैं वहाँ पे, खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं, मतलब चिल्ला नहीं रहे, मतलब गुस्से में तो सब होंगे, इतना फ्रस्ट्रेशन है। ये लोग कभी सीट साफ क्यों नहीं करते? इतनी गंदी क्यों होती है एयर इंडिया की सीट्स? फ्लाइट डिलेड, समवन वांट्स टू गेट हिज बैग आउट, जिसकी वजह से पूरे 300 लोग, 300 नहीं 200 250 लोग इनकन्वीनियंस फेस कर रहे हैं। और हम पहुंच गए जोधपुर। जुबैर ऐसे पहली बार हुआ है कि एक गर्ल फ्रेंड आई है और मैं इतना बिजी था, मैं उसके साथ फोटो भी नहीं खींचा पाया। बैड लगी बैड। एटियोस आ गई, इतना कचरा है यहाँ पे। बोलते हैं फोटो मत लेना एयरपोर्ट पे, तो नहीं लिया हमने रनवे पे, लेकिन कचरा इतना क्यों है? एटियोस। क्रेटा ही क्रेटा दिख रही है। ये क्या हो गया, जोधपुर में फ्लडिंग? गूगल मैप्स तो पुरानी चीज है। चलो फाइनली पहुंच गए। ओ माय गॉड, 1.5 आवर की जर्नी थी। नींद आ रही थी, सो रहा था अंदर में। हल्ला चलो, मतलब हल्ला नहीं, मतलब वेलकम करे हैं। ये क्या हो गया? तो फिर ये बताओ, मैं इतना बेवकूफ क्यों? सफेद शूज क्यों लिए मैंने? जहाँ देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एनीवेज, इसके अंदर घुस के जाना है। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। इवेंट वहाँ पे होगा और रात को बहुत ठंड होने वाली है। बॉडी शेल यहाँ पे दिखाया हुआ है गाड़ी का, क्या इसको 5 स्टार्स मिलेंगे यानी, ये बताओ। ऐसा लग रहा है कि आज मैराथन होने वाला है क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, पूछो मत। चलो फाइनली पहुँच गए, ये हमारी कैंप एंड इट्स अ वेरी कोल्ड प्लेस एट नाइट, बट एनीवेज क्या ही बोलूं, एक्साइटिंग लग रहा है एकदम। ऑब्वियसली यहाँ से हवा आने की बहुत चांसेस हैं। वॉशरूम भी दिखाई लेता हूँ, ये देखो, नाइस। Anyways, Hyundai has given us an LED projector. ये एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत दिन से चाहिए थी। अब नूरिन का बर्थडे है ना, तो उसको मैं ये चिपका देता हूँ। किसी को बोलना मत, ठीक है? काम करते हैं, लंच खाते हैं। अरे क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो चुका है क्योंकि किसी ने अपनी गाड़ी बीच में लगा दी है। ये बंदे ने बीच में लगा दी है, बट नो प्रॉब्लम, हमारी गाड़ी यहाँ पर आ गई है। अब क्रेटा है तो यहाँ पे सेल्टोस तो होनी है, और यहाँ पे कौन आया पता है? जॉनी भैया, जॉनी भैया। ओटीपी बताओ, कम 6969। ये बंदा ना जब तक ओटीपी नहीं मिलता दरवाजा ही नहीं खोलता। सिक्योरिटी सर, सिक्योरिटी। वो कहाँ है बटन, रेड वाला बटन जो दबाना है? वो SOS बटन ही है, ये वाला है। अरे ये दोनों गाड़ियां तो सेम है। सुनो मेरी बात, कल वहां क्रेटा खड़ी 20, उनके बीच में हमने जाके सेल्टोस लगा दी। बोलता है बैरूपिया कौन आया बीच में। Meanwhile, आप बोल रहे हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग, ये गलत है। नहीं 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 नहीं, नमस्ते कार, आज हम खड़े हैं एक कैमल के सामने। उड़ खोलो भाई, अरे उड़ खोलने दे यार। अरे नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है बंदे में। उड़ खोल, इधर क्यों परेशान करो बेचारे को? अरे बेचारा परेशान, ये बड़ा आराम कर रहा है, वरना इसको रात को ले ले घुमा रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं था इसकी राइड करने में। शर्ट कितने की? कितने रुपए की शर्ट लगाते हो? एकदम प्यार से निकलेगी विदाउट एनी व्हील स्पिन। उधर पूरी मिट्टी में फंसे हुए तीनों टायर, बस ये थोड़ा सा बाहर है। 420 रुपए की आप दोगे अगर ये पैसे निकल गई तो? डन, मैं भी दे दूंगा। डन। फिर हारेगा कौन? हाँ, लगा लेते तो जीत जाते। लगी तो है शायद। आपने बोला पैसे निकलेगी बट निकल नहीं। नहीं नहीं बोलो, नहीं निकलेगी। अब तो चेंज कर दिया आपने। कोई भी एंगल से प्यार से तो नहीं निकली। चलो 420, दोनों 420 हार गए। अब दो कौन किसको देगा बताओ? मैं बताता हूँ किसको क्या देता है। मियाँ को देते हैं, मियाँ को।
अरे कौन सी क्रेटा चाहिए आप बोलो? ये तो मुंडे का मेला लगा हुआ है। क्रेटा, एक्स्टर, i20, एल्काज़ार सब अवेलेबल है हमारे पास। क्या मतलब, ये तो आईकोटी ग्राउंड बना हुआ है। Few moments later. चलो सबसे पहले इस गाड़ी का एक राउंड मार लेते हैं समझने के लिए क्या चेंज हुआ है। मैकेनिकली तो सेम ही है, ओनली थिंग इज थोड़ा इंटीरियर चेंज किया है, डिजाइन चेंज किया है। वहाँ पे सेल्टोस आगे जा रही है, जॉनी भैया चला रहे हैं, तो दोनों का साथ कंपेयर ही कर लेते हैं, क्यों नहीं। अभी ऐसा लग रहा था कि जॉनी भैया ना एनकैप टेस्टिंग करने वाले थे, तो गाड़ी का एक स्पिन ले लिया। चलने में वैसी चलती पहले जैसी, सेल्टोस से ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि इसमें 17 इंच व्हील्स आते हैं, सेल्टोस में आते हैं 18 इंच व्हील्स, बट सेल्टोस थोड़ी ज्यादा प्रीमियम फील होती है। एंड अगर एक चीज आप नोटिस करोगे, कुछ ऐसे नोटिस करना नहीं, गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है। जॉनी भाई अपना व्लॉग करने वाले हैं अभी। एक बंदे का बर्थडे था, ठीक है, 18 दिसंबर की बात है। उसको बुलाया जयपुर से दिल्ली बाय रोड, फिर जयपुर से मुंबई बाय फ्लाइट, फिर मुंबई से मस्कट बाय फ्लाइट, फ्रॉम मस्कट टू सराला बाय फ्लाइट, और फिर बंदा 4 बजे सुबह को पहुंचा और उसको 7:30 ब्रीफिंग ले आना था। सेम चीज उसका जो कैमरा पर्सन है वो भाई जयपुर से मुंबई गए, 17 घंटे पहले पहुंचा है। आराम, मेरे को क्या बोलता है, हैप्पी बर्थडे। बीच पे जाके आऊ मैं, साले तू बीच पे जाके आ, मैं नींद नहीं आ रही यहाँ पे, मैं बीच की सीट पे बैठ गया हूँ। चलो अभी हम चला रहे हैं डीजल वाली क्रेटा, एंड आई थिंक डीजल इज मच बेटर टू ड्राइव। स्टीयरिंग थोड़ा हैवी फील हो रहा है, इधर सस्पेंशन में थोड़ा स्टिफर होगा। आगे चल रही हमारी सेल्टोस, पीछे चल रही है एक और क्रेटा, आगे चल रही है एक और क्रेटा, तो एकदम फुल कोरियन कॉन्वॉय चल रहा है। अभी हम कोरिया निकल रहे हैं। किसका केला खा रहे हो, ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? शर्माओ मत यार, अपना ही है, खाओ। अपना नहीं है। कब मिलेंगे अब नेक्स्ट? कब मिलेंगे नेक्स्ट? कब भाई? नंबर नंबर टेंट टेंट कोई फोन है, देखो पॉइंट पॉइंट खाली हो जाए, रातन हो। बड़ी बड़ी बात है, चलो जाता हूँ, मिलते हैं पंच पे, पंच कर लो एक बार, फिर पंच मिलेंगे। ये महिंद्रा की पुरानी सी जीप अच्छी लग रही है, जैसे इसका विंडशील्ड डाउन है ना, मस्त लग रही है समहाउ। जोरदार सेटअप है, कैसे लगाई गाड़ी इन लोग ने, बहुत सेक्सी लग रहा है। इनफैक्ट एक सेकंड पॉज एंड सी, हर जगह ऐसी लाइट्स लगी हुई है, मतलब सब क्रेटास खड़ी हुई विद द लाइट्स ऑन, व्हिच इज रियली सेक्सी एंड कूल, एंड ऑब्वियसली आग भी लगा के रखी हुई है, अमेजिंग। प्रॉब्लम ये हो रही है, ये बंदा अपनी जीप नहीं हटा रहा, तो हुंडे वाले बोल रहे उसको तू वटा के यहाँ से, सिर्फ क्रेटा रहेगी यहाँ पे, रियल एसयूवी, अल्टीमेट एसयूवी। क्या एग्जैक्टली? अल्टीमेट एसयूवी, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। लगभग 1 घंटे की प्रेजेंटेशन थी, और अब हम रात को गाड़ी के अंदर बैठ के देख रहे हैं क्या चेंजेस हैं। मतलब वीडियो में हमें समझ गया क्या बोलना है, तो थोड़ा स्ट्रेस आउट हो गया, काफी ज्यादा प्रिपेयर भी हो गया हूँ। 8 बज गए हैं, घड़ी की बैटरी हमेशा गुल क्यों होती रहती है, सोचो मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो सीन ये है कि अभी जल्दी सोना है क्योंकि बहुत नींद आ रही है। मैं शाम को सोया नहीं क्योंकि मैं ऐसे प्रिपेयर विपेयर कर रहा था, कल का ब्लॉग शेड्यूल था, तो मैंने कुछ स्टेप किया, ये लाइट बंद होगी, चलो मैंने कुछ तो कर लिया। आई थिंक हम लोग कल के डिनर के लिए आ गए क्योंकि कोई तो पहुंचा ही नहीं है। ठंड तो हो रही अच्छी खासी, लेकिन मच्छर वच्छर भी अंदर है, तो इसलिए हमने अभी कछुआ छाप जला दिया है ताकि मच्छर हमें ना परेशान करें आज रात को। अरे ये हुई ना, अरे ये तो ट्रांसफर कर दिया इसने पूरे यहाँ से वहाँ। एंड मैंने देखा खुदा बाहर निकली चूहिया, ये है रेस्टोरेंट। वो देखो वहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, कौन सी गाड़ियाँ दिख रही हैं। बाय द वे रियल M3 नहीं है ये, F10 3 सीरीज डीजल है जिसको किट लगा के कन्वर्ट किया, इसलिए इसके टायर इतने छोटे हैं।